परंपरा के दायरे में रहते हुए समकालीन सोच का शायद बेहतरीन एक नजारा पेश किया बाबा रामदेव ने, जिस तरह की बातें बताई हैं। अशोक सिंघल से बातचीत उन्होंने की। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद हैं। अशोक, वाकई जिस तरह की बातें कही हैं बाबा रामदेव ने, वो जरूर उसका पर्याय हम ये समझ सकते हैं कि महाकुंभ में बस एक डुबकी मात्र से आपको महापुण्य नहीं मिलने वाला है। हालांकि हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति का दिन है, ऐसे में किस तरह का नजारा सुबह से अभी तक देखने को मिला है और अब क्या चल रहा है? देखिए, सुबह से ही श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी, लेकिन उम्मीद से कहीं कम है। अगर मैं बताऊं, ये पानी सुबह से लग रहा था कि बहुत ठंडा पानी है, लेकिन अब उतना ठंडा नहीं है जितना सुबह ठंडा कहा जा रहा था। लोग डुबकी लगाने से थोड़ा कतरा रहे थे कि बहुत कड़ाके की सर्दी है, लेकिन अब मौसम थोड़ा साफ है, यहाँ पे धूप भी निकली है। लेकिन उम्मीद के मुताबिक काफी कम लोग आए। प्रशासन का अनुमान था कि 40 लाख के करीब लोग पहुंचेंगे, लेकिन करीब 15 से 17 लाख तक लोग यहां पे पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में और संख्या बढ़ सकती है लोगों की। कल सूर्य ग्रहण है, तो कल भी काफी लोगों की उम्मीद की जा रही है कि देश भर से और ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। जैसे कि मैंने लोगों से बात की कि महंगाई की वजह से भी लोग कतरा रहे थे आने के लिए, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी कि हरिद्वार जाएं, पैसा खर्च करें, वो एक समस्या थी। लेकिन श्रद्धा जो है लोगों को हरिद्वार में स्नान करने के लिए खींच लाई। आज पहला पर्व है महाकुंभ का, पहला पर्व है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो जो आगे बढ़ेंगे पर्व, संख्या ज्यादा बढ़ती जाएगी। जी।